नमस्कार दोस्तों, तो सैमसंग ने रिसेंटली बहुत सारे 4G स्मार्टफोन इंडिया पे लॉन्च किया है और एक तो 5G स्मार्टफोन इंडिया पे लॉन्च कर दिया है। आप कह रहे कि एक और 5G स्मार्टफोन बहुत ही जल्द इंडिया पे लॉन्च करने वाला है और इस स्मार्टफोन का नाम है गैलेक्सी F42 5G एडिशन। तो इस वीडियो में बात करेंगे जो गैलेक्सी F42 का 5G एडिशन आने वाला है, इसका डिजाइन क्या होगा, क्या स्पेसिफिकेशन होगा, किस प्राइस में इंडिया पे लॉन्च होगा, जिस प्राइस में लॉन्च होगा, क्या हमें उस 5G स्मार्टफोन को लेना चाहिए या फिर उस प्राइस रेंज में अवेलेबल बाकी कोई 5G स्मार्टफोन लेना चाहिए, इस वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिना कोई वक्त खबर आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजेट चैनल पर नए हैं और ऐसी वीडियो आगे भी देखना चाहते तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो पहले तो हम बात करेंगे इसके डिजाइन के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, यही दरअसल है गैलेक्सी F42 का डिजाइन और ये इसका 5G वाला वेरिएंट है। इस स्मार्टफोन का थिकनेस होगा 9mm और इसका वेट होगा 203 ग्राम। डिस्प्ले के मामले में आपको इसमें मिलेगा 6.6 इंच फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले। इसका स्क्रीन का रिफ्रेश रेट होगा 90Hz और इसमें आपको ऑलमोस्ट 91% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलेगा और बहुत ज़्यादा चांस है कि इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का भी प्रोटेक्शन मिल सकता है। अगर प्रोसेसर की बारे में बात करें तो इसमें आपको मिलेगा मीडियाटेक की तरफ से आने वाला सबसे सस्ता 5G प्रोसेसर जो कि है डायमेंसिटी 700 प्रोसेसर और ये एक्जैक्टली सेम CPU है जो कि हमें रियलमी नार्जो 30 5G या फिर पोको M3 Pro 5G में देखने को मिलता है। कहा जा रहा है कि ये वाला स्मार्टफोन दो वेरिएंट पे लॉन्च होगा, 8 120GB और एक 8 256GB। इसका रैम का क्वालिटी होगा LPDDR4X, लेकिन जितना अभी तक इंफॉर्मेशन मिला है इसका इंटरनल स्टोरेज का क्वालिटी eMMC 5.1 ही होगा और इसके साथ आपको 2+1 कार्ड स्टोरेज भी देखने को मिलेगा। कैमरे की अगर बात करें आपको इसमें मिलेगा 48, 5 और 2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, उसके साथ 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। बैटरी की अगर बात करें आपको इसमें मिलेगा 5000mAh बैटरी, उसके साथ 15W का फास्ट चार्ज और जो कनेक्टिविटी वो हमें मिलेगा USB Type-C। अगर इसके कुछ बाकी के फीचर की बारे में बात करें तो इसमें आपको मिलेगा Android 11 साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। तो अब जो सबसे मेन चीज, ये जो स्मार्टफोन कब इंडिया पे आने वाला है और किस प्राइस रेंज में लॉन्च होने वाला है, पहले हम बात करेंगे लॉन्च डेट के बारे में। जितना अभी तक इन्फॉर्मेशन मिला है, जुलाई महीने के अंदर ये वाला स्मार्टफोन इंडिया पे लॉन्च होने के 100% चांस है और सिर्फ एक नहीं दो स्मार्टफोन लॉन्च होगा। एक होगा गैलेक्सी A22 5G एडिशन, दूसरा होगा गैलेक्सी F42 5G एडिशन। एक लॉन्च होगा अमेजोन पे, एक लॉन्च होगा फ्लिपकार्ट पे और एग्जैक्टली सेम प्राइस में लॉन्च होगा। तो अब हम बात करेंगे इसके प्राइस के बारे में। अभी तक जितना इन्फॉर्मेशन मिला है उस हिसाब से गैलेक्सी F42 का जो 8 120GB वेरियंट वो इंडिया में शुरू होगा 17,000 रुपये के आसपास और इसका जो हायर वेरियंट जो कि 8 256GB वेरियंट वो इंडिया में शुरू होगा 20,000 रुपये के आसपास। तो अभी हर वीडियो के जैसे इस वीडियो में भी मैं मेरा ओपिनियन दूंगा कि ये वाला स्मार्टफोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। अब देखिए 14,000 में ऑलरेडी पोको M3 Pro अवेलेबल है, Realme 8 5G अवेलेबल है और जो अपकमिंग Narzo 30 5G आने वाला है एक्जैक्टली सेम स्पेसिफिकेशन के साथ ही लॉन्च होगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से वो सब स्मार्टफोन को छोड़ के सैमसंग के ए वाला स्मार्टफोन को लेने का कोई फायदा मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि पोको या फिर Realme 14,000 में हमें जो चीज़ प्रोवाइड कर रहा है एक्जैक्टली सेम चीज़ सेम स्पेसिफिकेशन हमें सैमसंग 17,000 रुपये में प्रोवाइड कर रहा है। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये जो स्मार्टफोन आने वाला है ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि सैमसंग के अलावा और किसी भी ब्रांड का स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं करना चाहते या फिर जो लोग सैमसंग के सिक्योरिटी को सबसे ज्यादा पसंद करते सिर्फ उन लोगों के लिए गैलेक्सी F42 है, वरना पोको M3 Pro 5G या फिर Realme 8 5G इससे और भी ज्यादा स्मार्टफोन है और बेटर डिजाइन के साथ आता है। वैसे अभी आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि ये जो नया वाला गैलेक्सी F42 5G आने वाला है, इसके आप इस स्मार्टफोन को एज ए 5G स्मार्टफोन लेना चाहेंगे या फिर बाकी कंपनी के स्मार्टफोन लेना चाहेंगे, इसके बारे में मुझे कमेंट में कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।